प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज के इस फेसबुक लाइव सत्र में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, उस विषय का शीर्षक है टीचर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, एक चिंतनशील अभ्यासी के रूप में शिक्षक। हम कोई भी कार्य करने वाले व्यक्ति हों, हम किसी भी प्रोफेशन में हों, किसी भी वोकेशन में, चिंतनशीलता हमारे जीवन का अभिन्न अंग होती है। हम जो भी कार्य करते हैं उस पर सोचते हैं, विचारते हैं और उस कार्य के अच्छे और बुरे पक्षों का विश्लेषण करते हैं, जिससे कि हम अगले अभ्यास को, अगली अपनी क्रियाकलाप को, अगली अपनी गतिविधि को, our next exercise should be better. So when we talk about teacher as a reflective practitioner, we basically talking about a teacher who keep on thinking, who keep on reflecting about his or her students, about the teaching learning scenario, about the content, about the context, about his or her own practices. So when we talk about teacher as a reflective practitioner, we basically talk about many things. Let us start with the very first point, that what is reflection? And actually reflection is not something new or something innovative idea which was not there in our culture, in our tradition. रिफ्लेक्शन या चिंतनशीलता कोई ऐसा आयाम नहीं है जो हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में या हमारे साथ पहले से नहीं था। रिफ्लेक्शन हमारी पुरातन प्रक्रियाओं में, हमारे पुरातन अभ्यासों में हमारे साथ जुड़ा रहा है। हमारे सारे ऋषि आचार्य, यदि आप उनके बारे में पढ़ें, उनकी कहानियां पढ़ें, उनके गुरुकुलों के बारे में पढ़ें, उनके शिष्यों के बारे में पढ़ें, उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में पढ़ें, तो आप ये जानेंगे कि वहां पर क्रैमिंग, रोट मेमोरी, इन सबको कोई स्थान नहीं था। वहां रिफ्लेक्शन को प्रैक्टिस किया जाता था, वहां चिंतनशीलता अभ्यास का अंग थी। आप अक्सर पढ़ते होंगे कि प्राचीन भारत में जो हमारे टीचिंग मेथड्स थे उनमें श्रवण, लिसनिंग, मनन, कंटेम्पलेशन एंड निधिध्यासन, कंसंट्रेटेड कंटेम्पलेशन, ये हमारे टीचिंग मेथड्स थे। तो वहां विद्यार्थी केवल सुनकर चीजों को याद नहीं करते थे, उनका मनन करते थे और उन पर कंसंट्रेटेड कंटेम्पलेशन अर्थात निधिध्यासन करते थे। तो ये कंसंट्रेटेड कंटेम्पलेशन क्या था? वाज इट नॉट रिफ्लेक्शन ऑन आवर प्रैक्टिसेस? वाज इट नॉट अ रिफ्लेक्शन व्हाट वी हैव लर्नड एंड व्हाट वी हैव लिसन इन द मॉर्निंग फ्रॉम आवर आचार्य और गुरु? व्हेन वी थिंक डीपली, व्हेन वी थिंक इंटरनली एंड व्हेन वी एनालाइज समथिंग व्हिच वी आर प्रैक्टिसिंग, वी आर बेसिकली रिफ्लेक्टिंग। तो हम वहां पर क्या कर रहे होते हैं? रिफ्लेक्शन कर रहे हो। प्रश्न उठता है रिफ्लेक्शन है क्या? रिफ्लेक्शन के बारे में कहा जाता है दैट रिफ्लेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन एक्सपीरियंस इज रिकॉल्ड, कंसीडर्ड एंड इवेलुएटेड इन रिलेशन टू सम ब्रॉड पर्पसेस, अर्थात कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो भी हमने अनुभव किया है उस अनुभव को पुनः स्मरण करना, उसके बारे में चिंतन करना और उसका मूल्यांकन करना, किन्हीं ब्रॉड पर्पसेज अर्थात महत्वपूर्ण और बड़े उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। तो जब हम इस प्रकार का चिंतन करते हैं, इस प्रकार का मूल्यांकन करते हैं, तो वह रिफ्लेक्शन कहलाता है। मॉडर्न टाइम्स में रिफ्लेक्शन के आइडिया को ओरिजिनेट करने का श्रेय खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में जॉन डीवी को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने 20th सेंचुरी में रिफ्लेक्शन पर बहुत सारे विचार प्रस्तुत किए। एक और विचारक हैं वॉट कीग एंड वॉल्कर, इन्होंने 1985 में अपने एक पेपर में लिखा दैट दोज इंटेलेक्चुअल एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज इन विच इंडिविजुअल्स एंगेज टू एक्सप्लोर देयर एक्सपीरियंसेस इन ऑर्डर टू लीड द न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएशन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अर्थात रिफ्लेक्शन क्या है? हमारे जो अनुभव हैं, जब हम उनको एक्सप्लोर करते हैं, कैसे? इंटेलेक्चुअली एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज। सो इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, नॉट मेंटल थिंकिंग, केवल मानसिक चिंतन नहीं, भावात्मक पक्ष भी। तो जब मानसिक अर्थात ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों आयामों को साथ रखते हुए हम अपने अनुभवों के बारे में चिंतन करते हैं, जिससे कि हमारी नई सोच विकसित हो और हम नई दिशा में जा सके, तो वो रिफ्लेक्शन होता है। Then Reid in 1993, when he was considering about the reflection,
He considered it as an active process of what? Reviewing an experience of practice in order to describe, analyze, evaluate and so inform learning about practice. अर्थात रीड ने जब रिफ्लेक्शन के बारे में सोचा तो उन्होंने इसको एक ऐसी एक्टिव प्रोसेस के रूप में देखा जो किसी भी प्रैक्टिस से हुए हमारे अनुभवों का रिव्यू उसको डिस्क्राइब करके अर्थात उसका वर्णन करके उसका विश्लेषण करके उसका मूल्यांकन करके और इस तरह से जब हम उस अपने अभ्यास के बारे में और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं तो वह चिंतनशीलता या रिफ्लेक्शन कहलाता है। आर डीवी ने रिफ्लेक्शन पर जो अपना पर्सपेक्टिव दिया उसमें उन्होंने लिखा द एक्टिव परसिस्टेंट एंड केयरफुल कंसीडरेशन ऑफ एनी बिलीव और सपोज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज इन द लाइट ऑफ ग्राउंड्स दैट सपोर्ट इट। देखिए अब तक जितने भी परिभाषाओं की मैंने बात की और उसके साथ यदि इस डीवी की हम इस कथन को ध्यान में रखें तो कुछ चीजें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। एक तो रिफ्लेक्शन एक सतत प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज बेस्ड ऑन सम ग्राउंड सम आउटकम्स डिजायर्ड आउटकम्स सम गोल्स। क्योंकि हम कोई भी जब कार्य करते हैं कोई भी कार्य करने का निश्चय करते हैं तो उस कार्य के कुछ लक्ष्य होते हैं। जब हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो कक्षा में हमारे पढ़ाने के कुछ लक्ष्य होते हैं कुछ आधार होते हैं। तो हमने जो भी कार्य किया है या हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं या हम जो भी कार्य करना चाहते हैं जब हम उन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अपने कार्य का अपने अभ्यास का अपनी एक्टिविटी का अपनी प्रैक्टिस का एक एक्टिव एनालिसिस करते हैं केयरफुल कंसीडरेशंस करते हैं और परसिस्टेंसी अर्थात निरंतरता जब उसमें रखते हैं तब वह रिफ्लेक्शन के अंदर आता है। और डीवी ने रिफ्लेक्शन के चार क्राइटेरिया बताए। डीवी का पहला क्राइटेरिया था, डीवी ने जितना रिफ्लेक्शन के बारे में लिखा यदि आप उसको कंसीडर करें तो पहली चीज है रिफ्लेक्शन इज अ मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। अर्थात रिफ्लेक्शन केवल किसी चीज का विश्लेषण कर देना मात्र नहीं होता बल्कि उससे अर्थापन भी होता है, हमें उससे अर्थ भी ग्रहण करना होता है। इट इज अ सिस्टमैटिक रिग्रेस एंड डिसिप्लिन्ड वे ऑफ थिंकिंग विद इट्स रूट इन साइंटिफिक इंक्वायरी। जैसे वैज्ञानिक विधि के कुछ चरण होते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी के कुछ स्टेप्स होते हैं उसी तरह से यह भी एक स्टेप बाइज प्रोसेस है जो बहुत सिस्टमेटिक है जो रिग्रेस है और जो डिसिप्लिन्ड है। तो केवल ऐसे ही किसी चीज के बारे में सोच लेना रिफ्लेक्शन नहीं है। जब हम किसी अभ्यास के बारे में किसी क्रियाकलाप के बारे में किसी एक्टिविटी के बारे में सिस्टमैटिक ढंग से डीपली रिग्रेस और डिसिप्लिन्ड वे में सोचते हैं तो वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। और रिफ्लेक्शन के लिए यह आवश्यक है कि यह रिफ्लेक्शन समुदाय में हो। समुदाय मतलब हम जहां कोई अभ्यास कर रहे हैं, यदि हम कक्षा में अभ्यास कर रहे हैं तो वो क्लासरूम हमारी कम्युनिटी है, हम स्कूल में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं वो स्कूल हमारी कम्युनिटी है, हम फैमिली में अपनी सोसाइटी में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो सोसाइटी वो फैमिली हमारी कम्युनिटी है। जहां हम दूसरों से अंतःक्रिया करते हैं, हम अपने विद्यार्थियों से अंतःक्रिया करते हैं, हम अपने प्रधानाचार्य से अंतःक्रिया करते हैं, हम समाज के विभिन्न लोगों से अंतःक्रिया करते हैं, तो जहां भी इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, उसके बिना रिफ्लेक्शन नहीं होता। और अंतिम बात जो डीवी ने कही that it requires attitude that values personal and intellectual growth of oneself and others. जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, एक ऐसी अभिवृत्ति होनी चाहिए जो ये माने कि यदि हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो न केवल हमारा व्यक्तिक पर्सनल बल्कि हमारा मानसिक विकास भी होगा, हमारा ज्ञानात्मक विकास भी होगा। और केवल हमारा विकास नहीं होगा, हमारे साथ साथ हमारे विद्यार्थियों का, हमारे विद्यालय का, हमारे परिवार से जो जुड़े हमारे साथ लोग हैं दूसरों का भी विकास इसमें हो। ये पॉइंट्स जो थे एरोडर्स ने 2002 में अपने पेपर में लिखे और उन्होंने कहा कि जो डीवी का पूरा रिफ्लेक्शन का आइडिया है उनको हम इन चार बिंदुओं में समराइज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन के बहुत सारे मॉडल बहुत सारे लोगों ने दिए क्योंकि रिफ्लेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन इज सच अ रिग्रेस प्रोसेस देन मेनी पीपल tries to explain it, tries to define it in their own ways. तो जब हम reflection as a three level progression की बात करते हैं तो इसमें Van Manen का जो 1977 का model है वो बहुत important है और उन्होंने जिन तीन levels की बात की
उसमें पहला लेवल था टेक्निकल. When he was talking about the technical level of reflection, he was basically talking about the concerns with the efficiency and effectiveness of the means used to achieve the objective. अर्थात हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए, उन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए हम जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जिन तरीकों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वे तरीके कितने एफिशिएंट और कितने इफेक्टिव हैं. अर्थात हम उन तरीकों के बारे में चिंतन करते हैं कि यह तरीका ठीक है या नहीं, क्या मुझे किसी और तरीके का प्रयोग करना चाहिए या नहीं. अर्थात हम जो स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, द स्ट्रैटेजीज विच वी यूज when we talk अबाउट द टेक्निकल लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन, वी टॉक अबाउट बेसिकली एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ दोज स्ट्रैटेजीज विच वी आर यूजिंग. तो जिन युक्तियों का, जिन रणनीतियों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उन युक्तियों या रणनीतियों का जब हम विश्लेषण करते हैं, तो ये टेक्निकल लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है. इसके बाद वान मेनन ने बात की प्रैक्टिकल लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन. प्रैक्टिकल लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन में उन्होंने बात की असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल्स एंड हाउ दे आर अचीव्ड बाय लर्नर्स. हम जो भी मेथड यूज कर रहे हैं, केवल उन मेथड की एनालिसिस नहीं, बल्कि उन गोल्स की एनालिसिस, जिन गोल्स को अचीव करने के लिए हम मेथड्स का यूज कर रहे हैं, और वो लक्ष्य, वो उद्देश्य क्या हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त हुए अथवा नहीं हुए. तो इसमें किसी भी अभ्यास, जो भी अभ्यास, जो भी स्पेसिफिक प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, उसके पीछे क्या अजम्पशंस है, और उस अभ्यास के, उस प्रैक्टिस के क्या परिणाम होंगे, क्या संभावित कॉन्सिक्वेंसेस हैं. तो जब हम अभ्यास के साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर भी बात करने लगते हैं, जब हम केवल अभ्यास या अभ्यास की टेक्निक की एनालिसिस करते हैं, तो वो टेक्निकल रिफ्लेक्शन है. लेकिन जैसे ही हम उस अभ्यास के अजम्पशंस, उस अभ्यास की प्रभाविता, खासतौर पर उनके एजुकेशनल गोल्स को ध्यान में रखते हुए और उसके परिणामों पर चिंतन करने लगते हैं, तो हम प्रैक्टिकल लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं. और उसके बाद तीसरा लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन है क्रिटिकल लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन. अर्थात जहां हम मॉरल और एथिकल डायमेंशंस पर बात करने लगते हैं कि हमारे तरीके, लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी विधियां, इनका मूल्य क्या है. When we are concerned about the worth of our educational goals, we become very critical thinker. So the critical reflection is the topmost level of reflective practices by Von Menon. उन्होंने कहा initially हम technical level पर reflection करते हैं, फिर हम थोड़ा practical level की तरफ पढ़ते हैं, और उसके बाद हम critical level पर आते हैं. So when we are talking about the critical level of reflection, we basically dealt with the questions which are related with morality and ethical dimension. जब नैतिक और हमारे जो ethics से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर जब हम बात करने लगते हैं, तब अपने decisions की हम analyze, अपने decisions को हम analyze करने लगते हैं. हमारे जो decisions हुए हैं, उनके ethical और moral parameters पर हम उनको analysis करने लगते हैं, तब ये critical level of reflection आता है. तो Von Menon ने कहा कि पहले initially हम technical level of reflection करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल लेवल की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद हम क्रिटिकल लेवल की तरफ जाते हैं. जो बहुत फेमस मॉडल है वो डोनाल्ड शोहन ने दिया 1987. इसको उन्होंने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मॉडल कहा, और उसमें उन्होंने तीन तरह के रिफ्लेक्शन की बात की. पहला रिफ्लेक्शन था रिफ्लेक्शन इन एक्शन, फिर उन्होंने बात की रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, और फिर उन्होंने बात की रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन की. तो मैं पहले रिफ्लेक्शन इन एक्शन की बात आपसे करता हूं. When we are talking about reflection in action, we are basically talking about the process of decision making while actively engaged in teaching learning. If I am talking about a teacher, अर्थात जैसे आप, मैं इसको एक ऐसे उदाहरण देता हूं कि आप कक्षा में गए, आपके कक्षा में जाने से पहले आपने कुछ उद्देश्य निर्धारित किया कि आज मैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पढ़ाऊंगा. आपने कुछ विधियां निर्धारित की, आपने अपना लेसन प्लान बनाया, कोई मेथड डिसाइड किया, आपने कोई टीचिंग लर्निंग मटीरियल प्लान किया कि मैं इस मटीरियल को यूज करके पढ़ाऊंगा, आपने कोई एक्टिविटी प्लान की कि मैं ये एक्टिविटी अपने विद्यार्थियों को दूंगा या दूंगी, और मेरे विद्यार्थी इस एक्टिविटी के माध्यम से एक्सप्लोरेशन करेंगे. लेकिन आप कक्षा में गए, आपने पढ़ाना प्रारंभ किया, और आपको यह अनुभव हुआ कि आपकी विधि, आपकी एक्टिविटी, आपका लाया हुआ मटेरियल विद्यार्थियों को, विषय वस्तु को स्पष्ट कर पाने में सफल नहीं हो रहा है. अब आप क्लास छोड़कर वापस तो नहीं जा सकते. You start reflecting the practices which you are practicing right now in your classroom. आप अपनी कक्षा में जो कर रहे हैं, आप तत्काल उन पर रिफ्लेक्शन शुरू कर देते हैं कि कहां गलती हो सकती है,
क्यों विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है, और जो इमीडिएट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं विद इन द क्लासरूम, आप पढ़ाते पढ़ाते कक्षा में अध्ययन अध्यापन में संलग्न रहते हुए रिफ्लेक्शन करते हैं, समस्याओं की पहचान करते हैं और उनका तात्कालिक समाधान प्रदान करते हैं। तो अभ्यास में रहते हुए, इन एक्शन रहते हुए, अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्शन करना, उनमें इंप्रूवमेंट करना, उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उसके लिए रैपिड सॉल्यूशन देना, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन इन एक्शन। द नेक्स्ट डायमेंशन इज रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। जब हम रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन की बात करते हैं, अर्थात जो अभ्यास हमने कर लिया, जैसे हम क्लास में पढ़ा करके आ गए, ये एक तरह की रिट्रोस्पेक्टिव प्रोसेस है। जैसे आज आपने कक्षा में कुछ पढ़ाया, पढ़ाकर आने के बाद आपने उनसे बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन कक्षा से बाहर आने के बाद आप अपने स्टाफ रूम में बैठे, अपने घर पर शाम को बैठे, आपने चिंतन प्रारंभ किया कि आज मैंने क्या पढ़ाया, क्या मैंने सारी विषय वस्तु पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, क्या जो विषय वस्तु मैंने पढ़ाई मेरे विद्यार्थी उसको समझने में सफल हुए कि नहीं हुए, मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे क्या वो लक्ष्य मुझे प्राप्त हुए, क्या मेरी विधि में कोई कमी थी, क्या मेरी सहायक सामग्री में कोई कमी थी, क्या मुझे कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। तो जब आप ऐसा जो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, व्हेन यू स्टार्ट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सच एक्शन, व्हेन यू स्टार्ट द क्रिटिकल एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ सच एक्शन व्हिच हैज ऑलरेडी बीन टेकन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। तो एक शिक्षक होने के नाते आप केवल कक्षा में ही रिफ्लेक्शन नहीं करते, बल्कि कक्षा समाप्त होने के बाद भी अपनी कक्षा के विषय में आपने जो शिक्षण अधिगम किया है, आपने जो विधियां प्रयोग की हैं, आपने जो असेसमेंट के तरीके इस्तेमाल किए हैं, आपके विद्यार्थियों से जो अंतःक्रिया हुई है, आपके अपने जो अनुभव हुए, उनके आधार पर आप अपनी क्रियाओं पर जब चिंतन करते हैं, जो क्रियाएं आप कर चुके हैं, तो वह रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन कहलाता है। तीसरा आता है रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। डोनाल्ड सोन ने कहा यह फ्यूचरिस्टिक है, अर्थात हम कोई कार्य करने वाले हैं, उस कार्य को करने से पहले जब उस कार्य पर चिंतन करते हैं तो वह रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन कहलाता है। इन दिस वी फोकस ऑन द डिजायर्ड आउटकम्स, हमारे लक्षित उत्पाद क्या होंगे, लक्षित निष्पत्तियां क्या होंगी, मेरे विद्यार्थियों में मैं क्या परिवर्तन करना चाहता हूं, मेरे विद्यार्थियों को कौन सा नया विषय वस्तु में प्रस्तुत करना चाहता हूं, उसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी, क्या विधि जो मैं आज तक प्रयोग कर रहा था वो उपयुक्त होगी, या विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए मुझे अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जो डिसीजन मैं लूंगा उसके लिए मेरी अकाउंटेबिलिटी जो होगी। तो जब हम फ्यूचरिस्टिक रिफ्लेक्शन करते हैं तब यह रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन कहलाता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, जब हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, और खासतौर पर एक टीचर होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते, एक शिक्षक की तरह जब हम अपनी कक्षा में जाते हैं और हम कक्षा में पढ़ाते समय जो रिफ्लेक्शन करते हैं वो रिफ्लेक्शन इन एक्शन कहलाता है। कक्षा में पढ़ाने के बाद अपने पढ़ाए हुए पर जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन कहलाता है, और पढ़ाने जाने से पहले हम जो रिफ्लेक्शन करते हैं वो रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन कहलाता है। वॉन मेनन ने फर्दर फिर टैगर्ड और विल्सन के साथ काम किया, क्योंकि वॉन मेनन बहुत पहले से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पर काम कर रहे थे। वॉन मेनन ने जब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मॉडल पर काम शुरू किया तो उन्होंने फिर एक ट्राइलेयर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मॉडल दिया, जिसके तीन स्तर थे, टेक्निकल, कॉन्टेक्चुअल एंड डायलेक्टिक। वॉन मेनन के इनिशियल मॉडल में था टेक्निकल, प्रैक्टिकल एंड क्रिटिकल, लेकिन अब क्या हो गया, वॉन मेनन ने टैगर्ट और विल्सन के साथ मिलकर के एक अलग तरह का रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मॉडल दिया। आइए हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं, व्हाट इज टेक्निकल, व्हाट इज कॉन्टेक्चुअल एंड व्हाट इज डायलेक्टिक। व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्निकल रिफ्लेक्शन, याद करिए वॉन मेनन का ओरिजिनल मॉडल, जहां हम केवल उन प्रोसेसेस, उन मेथड्स के बारे में चिंतन कर रहे थे। तो टेक्निकल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप जो देखते हैं, जैसे आप कक्षा में गए, आपने कुछ पढ़ाया, आपने ऑब्जर्व किया कि विद्यार्थी आज मेरे पढ़ाने से प्रसन्न है, तो आपका पहला रिफ्लेक्शन हो गया, चिल्ड्रन वर हैप्पी विद माई टीचिंग लर्निंग, दैट इज योर सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, जो आपने ऑब्जर्व किया। टेक्निकल रिफ्लेक्शन फोकसेस ऑन द बिहेवियर, कंटेंट एंड स्किल फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस और थ्योरीज डिराइव्ड फ्रॉम रीडिंग और कोर्स वर्क। कई बार हम जो पढ़ते हैं
या हम जो अभ्यास करते हैं, जो हमारे पुराने अनुभव हैं और जो जिन सिद्धांतों का हमने अनुभव अध्ययन किया है, उन सिद्धांतों और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए जब हम विद्यार्थियों के व्यवहार, अपनी विषय वस्तु या उनके कौशलों पर रिफ्लेक्शन करते हैं तो वो टेक्निकल रिफ्लेक्शन में आता है। ये बेसिकली टास्क ओरिएंटेड व्यू होता है जो निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित होता है कि हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए, यदि हमारे उद्देश्य प्राप्त हुए, मान लीजिए आपने एक उद्देश्य लिखा कि विद्यार्थी ए और बी के बीच अंतर बता सकेंगे, और यदि आपने अपनी कक्षा के अंत में उनसे प्रश्न पूछा कि विद्यार्थियों आज मैंने ए और बी के विषय में आपको बताया, जरा ए और बी के बीच चार अंतर बताइए, यदि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी ए और बी के बीच अंतर बता पाए तो आप हमने अपने रिफ्लेक्शन में लिखा कि मेरा शिक्षण उद्देश्य जो मैंने निर्धारित किया था वो मुझे प्राप्त हो गया। सो इट इज अगेन अ टेक्निकल रिफ्लेक्शन। इसलिए टेक्निकल रिफ्लेक्शन में बहुत ज्यादा एजुकेशनल वोकैबुलरी यूज होती है, जो शैक्षणिक शब्दावली होती है, मेरे उद्देश्य प्राप्त हुए, मेरी शिक्षण विधि उचित थी, मेरी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग ठीक से किया, विद्यार्थियों से मेरी अंतःक्रिया हो रही थी। सो सच काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी वी यूज व्हेन वी राइट आवर टेक्निकल रिफ्लेक्शन। सो दिस मॉडल हेल्प्स अ लॉट व्हेन वी राइट आवर रिफ्लेक्टिव डायरी आल्सो, बिकॉज यू नीड टू राइट अ रिफ्लेक्टिव डायरी ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। थिंक अबाउट द डिस्कशन विच आई एम डूइंग राइट नाउ, यू विल बी एबल टू राइट अ गुड रिफ्लेक्टिव डायरी एट द एंड। द सेकेंड लेवल ऑफ द रिफ्लेक्शन वॉज कंटेक्चुअल, वो जहां हो रहे हैं अभ्यास, उन परिस्थितियों के बारे में। तो यहां पर हम उन अभ्यासों की बात करते हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने एक शिक्षण विधि का चयन किया, मान लीजिए मैं आज अपने घर से कोई सामग्री लेकर गया, मैंने अपने विद्यार्थियों को वो सामग्री दी और कहा कि आप इसका अवलोकन कीजिए, या मैंने वो सामग्री ब्लैक बोर्ड पर दिखाई, बोर्ड पर दिखाई और मैंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि आप इसका अवलोकन करिए, लेकिन मेरे विद्यार्थी ठीक से अवलोकन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मैं जिस कक्षा में पढ़ा रहा था वहां प्रकाश की व्यवस्था उचित नहीं थी, तो मेरा मेथड नहीं, लेकिन मेरे मेथड के लिए चूंकि लाइट की जरूरत थी और लाइट प्रॉपर नहीं थी, वो कॉन्टेक्चुअल रिफ्लेक्शन, किन कारणों से मेरी विधि प्रासंगिक नहीं हुई। या जब मैं वार्तालाप कर रहा था तब बाहर शोर हो रहा था, कहीं म्यूजिक बज रहा था, बहुत सारे विद्यार्थियों को एक साथ एक ग्रुप में रख देने से मुझे समस्या हुई, यदि मैं छोटे छोटे ग्रुप बनाता तो शायद बच्चे ठीक से चिंतन कर पाते। दिस इज अगेन अ कॉन्टेक्स्ट। हमारे शिक्षण अधिगम को, विद्यार्थियों की लर्निंग को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? हमारे मेथड्स, वो जो टेक्निकल रिफ्लेक्शन है उसके अलावा, हमारे मेथड्स, टूल्स, कंटेंट के अलावा, वो कंटेक्चुअल रिफ्लेक्शन में आता है। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स पर हम रिफ्लेक्शन करते हैं। थियोरी को जब हम प्रैक्टिस में उतारते हैं, हमने सिद्धांत तो बहुत अच्छा चुना, हमने कहा कि हमने आज पढ़ा है वी विल यूज कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स और मैं कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स यूज करूंगा, तो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड मैंने यूज किया और बच्चों ने मेरे असेसमेंट का आंसर दे दिया, तो वो टेक्निकल रिफ्लेक्शन है। लेकिन क्या कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड जो मैंने चूज किया वो मेरे कंटेंट और मेरे विद्यार्थियों के प्रति उपयुक्त था कि नहीं था? क्या मेरे विद्यार्थी उस कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में, जो भी लर्निंग स्ट्रेटजी मैंने चूज की थी, उसके साथ कंफर्टेबल थे कि नहीं थे? क्या वे उसमें अपनी भूमिका ठीक से निभा पा रहे थे कि नहीं निभा पा रहे थे? सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज कॉन्टेक्स्ट्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्चुअल रिफ्लेक्शन। एंड द थर्ड इज डायलेक्टिक रिफ्लेक्शन, मींस वी ऑलवेज क्वेश्चन आवर प्रैक्टिसेस। हमने जो किया उस पर हम स्वयं प्रश्न खड़े करते हैं, हम अल्टरनेटिव पर बात करते हैं, उनके और विकल्प क्या हो सकते हैं, उन पर चिंतन शुरू। व्हेन वी टॉक अबाउट द डायलेक्टिक रिफ्लेक्शन, मैं डायलेक्टिक रिफ्लेक्शन में ये बात कर रहा था कि जब हम अपनी प्रैक्टिसेस को सिस्टमेटिकली क्वेश्चन करते हैं, हम अल्टरनेटिव्स पर सोचते हैं कि अच्छा ये विधि तो ठीक थी, क्या हम कोई और तरीका अपना सकते हैं? जब हमने जो निर्णय लिए थे और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए उनके ऊपर चिंतन प्रारंभ करते हैं, या खासतौर पर हम जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनकी मोरालिटी पर, उनके इथिकल इश्यूज पर और उनके सोशियो पॉलिटिकल डायमेंशन पर जब चिंतन करना शुरू करते हैं, तब हम और बेहतर ढंग से चिंतन कर पाते हैं। तो वॉन मेनन ने फिर टैगर्ट और विल्सन के साथ मिलकर के एक नया मॉडल दिया। आज मैं बहुत सारे मॉडल्स आपके सामने बात करूंगा। ये तो मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन हुए, लेकिन एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कौन होता है? इफ यू वांट टू बी अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर एज ए टीचर, व्हाट डू यू नीड टू डू? देयर इज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट ऑन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, आई हैव गिवन द लिंक ऑन द बॉटम, दैट इज द टीचर एजुकेशन हैंडबुक ऑन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो वहां पर वो जब टीचर के
कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होने की हम बात करते हैं, तो वहां कहा गया है अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इज हु सीक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू अ बैलेंस इंक्वायरी अबाउट प्रैक्टिकल सिचुएशन। हमारी जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनके बारे में जब हम एक बैलेंस्ड इंक्वायरी करते हैं जिससे हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, तो हम एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर रोल एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, वी बेसिकली कंटेम्पलेट अबाउट व्हाट वन सेल्फ एंड द इफेक्ट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। हम स्वयं क्या है और हमारे स्वयं का हमारे शिक्षण अधिगम पर क्या प्रभाव होने वाला है। हमारा पुराना ज्ञान जो हमने पहले एक्वायर किया है, हमारी स्किल्स, हमारी डिस्पोजिशंस, इसका हमारे टीचिंग लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और केवल हमारा नहीं, हमारे अध्येता कौन है, हमारे विद्यार्थी कौन है, हमारे शिक्षार्थी कौन है, हम शिक्षण अधिगम किन परिस्थितियों में कर रहे हैं। तो मेरे वर्तमान विद्यार्थी, मेरे लर्नर्स कहाँ हैं, वर्तमान शैक्षणिक परिस्थितियां क्या है, उन परिस्थितियों में मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या सोच है, मेरा क्या विजन है, मेरी क्या अकाउंटेबिलिटी है, मैं अपने विद्यार्थियों का पोटेंशियल कैसे डेवलप कर सकता हूं, कौन से तरीके अपना सकता हूं। जब इन सबके बारे में यदि मैं चिंतन करने में सक्षम हूं, शायद तभी मैं ये कह सकता हूं कि मैं एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हूं, अन्यथा मैं स्वयं को एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर नहीं कह सकता। जब एक टीचर एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की तरह कार्य करता है तो उसको बेसिकली तीनों चीजों पर रिफ्लेक्शन करना होता है। कंटेंट, विषय वस्तु क्या है, क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया जाना है, उसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के लिए कौन से मेथड्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन से टूल्स हैं, कौन से टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट्स हैं, साथ ही किनको पढ़ा रहा हूं, मेरे लर्नर कौन हैं, किस आयु वर्ग के हैं, उनकी मानसिक क्षमता क्या है, वो उनके अंदर यदि कुछ विशिष्ट योग्यताएं हैं तो वे कौन सी हैं, यदि उनमें किसी विशिष्ट सहायता की कुछ विद्यार्थियों को आवश्यकता है तो किस प्रकार की सहायता चाहिए, किस तरह का टीचिंग मेथड मैं इस्तेमाल करूंगा, मेरे विद्यार्थियों की क्षमता क्या है, उनका पूर्व ज्ञान क्या है, वे क्या चाहते हैं, वे किन परिस्थितियों से आए हैं, उनका भाषागत आधार क्या है, क्या मेरी क्लास एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है या सिंगल लैंग्वेज बैकग्राउंड से सारे स्टूडेंट्स आए हैं। सो वी रिफ्लेक्ट नॉट ओनली अबाउट द कंटेंट, वी रिफ्लेक्ट अबाउट द लर्नर एज वेल एज वी रिफ्लेक्ट अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज द सिचुएशन वेयर आई एम गोइंग टू टीच, वेयर दिस एक्टिविटी विल टेक प्लेस, वेदर दिस एक्टिविटी विल टेक प्लेस इन द क्लासरूम और दिस एक्टिविटी विल टेक प्लेस इन अ प्लेग्राउंड और इन अ बिग हॉल, वेदर देयर विल बी ओनली माई स्टूडेंट्स और द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। सो व्हाट शुड बी द context. So when we reflect as a teacher on our practices, we reflect on content related issues, we reflect on learner related issues, and we also reflect on context related issues. Only then we can be good reflective thinkers. There are four R's. मैं आज जिन चार R की बात आपसे करने जा रहा हूं इस चिंतनशीलता के reflection के, ये आपको बहुत मदद करेंगे जब आप अपनी reflective diary लिखेंगे। So when we talk about four R's, the first R is recollection, the second R is reaction, the third R is relevance, and the fourth R is responsibility. Let us talk about all these four in little bit details. The first R is recollection. Recollection means recollect the moment. अगर आप अपनी कक्षा के बारे में reflect करने जा रहे हैं, so you capture the moment, कक्षा में क्या हुआ, कक्षा में कौन कौन से आपको अनुभव हुए, यू समराइज अबाउट दोस की एक्सपीरियंसेस, यू आइडेंटिफाई टू और थ्री गुड एक्सपीरियंसेस ऑफ योर क्लासरूम। आज आपने कक्षा में जब पढ़ाया तो पढ़ाते समय आपकी कक्षा में जो अनुभव हुए उनमें से जो ऐसे अनुभव थे जो आपको लगता है कि विशिष्ट थे, उनमें कुछ विशिष्टता थी, वो रेगुलर एक्सपीरियंसेस नहीं थे, यू नीड टू हाईलाइट अबाउट दोस एक्सपीरियंसेस एंड यू राइट द फैक्ट्स एंड कॉन्टेक्स्ट फॉर देम कि वो उन अनुभवों के क्या कारण थे, किन तथ्यों के आधार पर वो अनुभव हुए और क्या परिस्थितियां थी। तो जब आप परिस्थितियों के विषय में, तथ्यों के विषय में, अनुभवों के बारे में समराइज करके उस पूरे मूवमेंट को जो आपने अपनी कक्षा में अनुभव किया उसके बारे में लिखते हैं, तो दैट आर इज रिकलेक्शन। सो द फर्स्ट आर ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिकलेक्शन, द सेकेंड आर इज रिएक्शन। रिएक्शन इज बेसिकली द अफेक्टिव डोमेन, सो रिएक्शन ऑफ योर्स एज वेल एज रिएक्शन ऑफ योर लर्नर्स। हमारी अभिवृत्तियां, हमारी बिलीव्स, हमारी भावनाएं,
यह सब हमारे रिफ्लेक्शन को प्रभावित करती हैं। याद करिए कि जब कक्षा में कोई घटना घटी, कोई मुद्दा विद्यार्थियों ने रेज किया, आपने उसको कैसे रिएक्ट किया? क्या आपके रिएक्शन पर आपके एटीट्यूड का कोई प्रभाव था? क्या आपकी मान्यताओं का आपके रिएक्शन पर कोई प्रभाव था? क्या आपकी मान्यताओं के साथ साथ आपके विद्यार्थियों की मान्यताओं या उनकी फीलिंग्स का आपके रिएक्शन पर कोई प्रभाव था? क्या वह प्रभाव सकारात्मक था या उसमें बायसनेस थी? जब आप इस तरह की एनालिसिस करते हैं, और अब आप उनके बारे में क्या सोचते, कक्षा में तो जो हो गया सो हो गया, क्या कक्षा में जो हुआ वो ठीक हुआ? क्या मुझे इसको और अच्छी तरह से हैंडल करने की जरूरत थी? क्या मुझे ऐसे व्यवहार की बजाय किसी अन्य प्रकार का व्यवहार करना चाहिए था? उसके बारे में मैं आप क्या सोच रहा हूं? इन सब चीजों को कनेक्ट करिए, क्योंकि जो भी आपका रिफ्लेक्टिव डायरी पढ़े उसको सारी चीजें क्लियर हो पाए। दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। द थर्ड आर ऑफ फोर आर्स इज रिलेवेंस, उपयोगिता। उपादेयता क्या थी? ये कॉग्निटिव डोमेन ऑफ थिंकिंग पर जुड़ा आता है कि जो फैक्ट्स और फीलिंग थे टीचिंग लर्निंग के दौरान, उन पर चिंतन करिए। किन वजहों से वो शिक्षण अधिगम में प्रभावी हुए? क्या जो भी मैंने आज किया, वे तथ्य और वे फीलिंग्स, क्या मेरे नॉलेज बेस या मेरे पुराने रिसर्चेस से कनेक्ट थे कि नहीं थे? क्या इससे मुझे कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? क्या मेरी इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली, वो टीचिंग लर्निंग के प्रति जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसको और बढ़ाने में मदद करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि रिफ्लेक्शन हमेशा प्रोग्रेशन होता है। ये मेरे लिए कितनी मीनिंगफुल एक्टिविटी रही, साथ ही इसने मेरे ऊपर क्या प्रभाव डाला। सो इन रेलेवेंस बेसिकली यू रिफ्लेक्ट ऑन यू मोस्टली। आप कौन सी पॉसिबिलिटीज देखते हैं, आप कौन से पर्सपेक्टिव्स यहां देखते हैं, कौन से ऐसे अवसर देखते हैं, कौन से ऐसे परिप्रेक्ष्य देखते हैं जहां आपको परिवर्तन करने या कुछ जोड़ने की आवश्यकता है। तो जब हम रेलेवेंस की बात करते हैं तो हम बहुत स्पेसिफिक होने की बात करते हैं, जिससे कि हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत कॉन्क्रीट हो, बहुत सब्सटेंशियल हो, जिसको थ्योरिस्ट ने कई बार नेम ड्रॉपर कहा है। मैं और मेरे जो क्लेम है उनके बीच के संबंध को कैसे स्थापित करता है, कैसे निर्धारित करता है। सो ऑल दीज कम्स अंडर रेलेवेंस। देन द फोर्थ आर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस डील्स विद द साइकोमोटर डोमेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां देखिए, जब हम फोर आर्स की बात कर रहे हैं तो हम कॉग्निटिव डोमेन की बात भी कर रहे हैं, हम अफेक्टिव डोमेन की बात भी कर रहे हैं, और हम साइकोमोटर डोमेन की बात भी कर रहे हैं। अर्थात रिफ्लेक्शन केवल कॉग्निटिव या केवल अफेक्टिव नहीं होता, रिफ्लेक्शन में मनोगत्यात्मक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष। जब हम साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं, हमने अपने विद्यार्थियों में कौन से नए कौशल विकसित किए, नई सूचना जो हमने विद्यार्थियों को दी, हमारे विद्यार्थियों को जो नई नॉलेज आई या हमने जो नई नॉलेज ग्रहण की उसको हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे अप्लाई करेंगे, हमें और क्या जानने की जरूरत है जिससे हम अपने अभ्यासों में सुधार कर सकें, और कौन है जिससे हम चर्चा कर सकते हैं जिससे हमें और इंसाइट मिल सकती है, हमें कौन से रिसोर्सेज हैं जो और देखने चाहिए जिससे कि हम अपनी एक्टिविटी को, अपनी टीचिंग लर्निंग को और इम्प्रूव कर सकें। तो ये फ्यूचरिस्टिक डायमेंशन पर आ जाता है। कौन से ऐसे पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप्स हैं जो हमें फ्यूचर में उठाने चाहिए जिससे कक्षा में हमारा जो शिक्षण अधिगम है वो और बेहतर हो पाए और श्रेष्ठ हो पाए। रिफ्लेक्शन के कुछ फीचर्स होते हैं। इन फीचर्स को ओपन यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, उनका एक कोर्स है बेसिकली रिफ्लेक्शन पर, वहां उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है, आपको पढ़ना चाहिए, वहां उन्होंने इसकी बात की है कि जो रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो रिटन रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो केवल थिंकिंग लेवल, चाहे आप अपने बंद कमरे में बैठकर रिफ्लेक्शन करें या रिफ्लेक्शन करने के बाद अपनी रिफ्लेक्टिव डायरी लिखें या कोई नैरेटिव लिखें, कोई भी तरीका आप, लेकिन जब आप रिफ्लेक्शन करते हैं तो रिफ्लेक्शन किसका परिणाम होता है? तो वे कहते हैं, इट रिजल्ट्स इन लर्निंग थ्रू चेंजिंग आइडियाज एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। परिस्थिति के बारे में आपकी समझ और आपके बदलते विचारों से जो आपको अधिगम होता है वह रिफ्लेक्शन का एक महत्वपूर्ण फीचर है। अगले बिंदु पर जब वे बात करते हैं तो वे कहते हैं, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इज मोर देन थिंकिंग और थॉटफुल एक्शन। कि रिफ्लेक्शन केवल सोचना नहीं है या केवल चिंतन पूर्ण क्रियाकलाप करना नहीं है, रिफ्लेक्शन इज बेसिकली एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग। रिफ्लेक्शन के बाद हम सीखते हैं, हम अधिगम करते हैं, हमको कुछ प्राप्त होता है, एंड इट इन्वॉल्व्स
problematizing teaching by recognizing that practice is not without dilemmas and issues. जहां डायलमा होते हैं, जहां मुद्दे होते हैं, जब हम उन डायलमा और मुद्दों को छोड़े बिना अपने अभ्यासों को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी पहचान करते हैं, अपनी टीचिंग में जो भी प्रॉब्लमटाइजेशन हुआ, जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं पर हम चिंतन करते हैं, तब हम रिफ्लेक्शन करते हैं। इसीलिए रिफ्लेक्शन के बारे में कहा जाता है कि एक चक्रीय प्रक्रिया है, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस वेयर रिफ्लेक्शन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज विच आर देन यूज टू प्लान द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग। कि हम कुछ शिक्षण अधिगम करते हैं, कुछ विचारों का, कुछ प्रक्रियाओं का, कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं, फिर उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर उसमें सुधार करते हैं, फिर उनको अगली कक्षा में प्रयोग करते हैं, फिर जो अगली कक्षा में प्रयोग किया है उस पर फिर चिंतन करते हैं, फिर उसमें सुधार करते हैं। तो ये निरंतर चलने वाली एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसको हम रिफ्लेक्शन या चिंतनशीलता कहते हैं। एंड रिफ्लेक्शन एनकरेजेस लुकिंग एट द इश्यूज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो हम केवल अपने आधार पर नहीं, अपने परिप्रेक्ष्य में नहीं, अपने पर्सपेक्टिव में नहीं, विद्यार्थियों का पर्सपेक्टिव, प्रिंसिपल का पर्सपेक्टिव, पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव, सोसाइटी का पर्सपेक्टिव, हम डिफरेंट डायमेंशंस और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स से एक ही समस्या के बारे में चिंतन करते हैं, उसको अपनी वैल्यूज, अपने अजम्पशंस और अपने पर्सपेक्टिव के साथ उसका स्क्रूटनी करते हैं, और इस तरह से हम एक अच्छे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हो जाते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से गिब्स ने एक्सप्लेन किया। और गिब्स के अगर इस रिफ्लेक्टिव साइकिल को आप देखें तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो एक अनुभव है, उस अनुभव को जब हम एनालाइज करना शुरू करते हैं, उस पर रिफ्लेक्शन शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारी फीलिंग्स आती हैं। उस अनुभव के विषय में हमारी फीलिंग्स क्या है, हमने क्या फील किया, उन फीलिंग्स के आधार पर हम इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं उस परिस्थिति का। और उस परिस्थिति के मूल्यांकन के लिए सबसे पहले हम उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने के बाद उससे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, और उन निष्कर्षों के आधार पर अपना फ्यूचर एक्शन प्लान तैयार करते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। और जब हम अगला एक्शन प्लान तैयार करते हैं, फिर एक नया अनुभव लेते हैं, फिर उस अनुभव को अपनी फीलिंग्स के आधार पर एनालाइज करते हैं। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्टिव साइकिल जो गिब्स की है, ये लगातार चलती रहती है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो गिब्स की रिफ्लेक्टिव साइकिल है, ये बहुत सुपरफिशियल रिफ्लेक्शन को बल देती है और इसमें बहुत डेप्थ लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होता। एक और रिफ्लेक्शन है, दैट इज ऑफ एटकिंस एंड मर्फी मॉडल। एटकिंस और मर्फी ने गिब्स के मॉडल को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश की, 1993 में ये मॉडल आया, और इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम किसी भी लर्निंग को आइडेंटिफाई करते हैं कि हो क्या रहा है, वो परिस्थिति क्या है, विच हैज अकर्ड, क्या हुआ। कक्षा में हम पढ़ाने गए, कक्षा में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन घटनाओं के बारे में हमारी जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस किस चीज की, वहां पर यदि कोई डिस्कम्फर्ट था, कोई नया एक्शन था, कोई नया अनुभव था, कोई नया एक्सपीरियंस था, तो उस सिचुएशन में जो कुछ घटा है वहां के बारे में हमारी अवेयरनेस, उस डिस्कम्फर्ट के बारे में, उस एक्शन के बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में, और फिर हम पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर, जिसमें उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार, वो घटना, उसके लक्षण सब आते हैं। और जब हम उसका वर्णन करते हैं, तब वर्णन करने के बाद उसकी एनालिसिस होती है। एनालिसिस ऑफ व्हाट? एनालिसिस ऑफ फीलिंग एंड नॉलेज। तो डिस्क्रिप्शन के बाद जब हम एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस में हम अजम्पशंस को, इमेजिनेशंस को आइडेंटिफाई और चैलेंज करते हैं, साथ ही और अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, उसके बाद उसकी रेलेवेंस क्या थी, इसका मूल्यांकन करते हैं, क्या इस एक्सप्लेनेशन से हमारी समस्या सॉल्व हुई, हमने अपने ज्ञान को किस प्रकार प्रयोग किया, और उन अनुभवों के आधार पर फिर हम एक नए लर्निंग एक्सपीरियंस को प्लान करते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, अगेन द प्रोसेस गेट रिपीटेड। सो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब प्रश्न ये आता है कि एक शिक्षक के तौर पर हम रिफ्लेक्शन को कैसे प्रमोट करें। सबसे पहले एक शिक्षक के नाते हम अपनी लर्निंग नीड्स के प्रति अवेयर हों। जब हम अपनी लर्निंग नीड्स की बात करते हैं, तो एज ए टीचर हमारी नीड्स क्या है, हमारे क्लासरूम में हमारे लर्नर्स की नीड्स क्या है, दोनों उसमें इंक्लूड होती हैं। फिर जिस भी मुद्दे पर हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, पीछे आपने देखा कई बार हमने मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स की बात की है, तो उनके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स पर चिंतन करें, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर, मेरा विचार क्या हो सकता है, विद्यार्थियों का विचार क्या हो सकता है, मेरे संगी साथियों का विचार क्या हो सकता है,
विद्यार्थियों के माता पिता का विचार क्या हो सकता है, मेरे प्रधानाचार्य का पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, समुदाय का, समाज का पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। व्हेन वी रिफ्लेक्ट वी कंसीडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, फिर हम ऐसे उपयोगी अनुभवों को ढूंढते हैं जो हमारे काम के हो सकते हैं और उन अनुभवों पर हम विस्तृत रिफ्लेक्शन या विस्तृत चिंतन करते हैं। चिंतन करने के दो तरीके हैं, एक तरीका होता है टीचर नैरेटिव और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव जर्नल या रिफ्लेक्टिव डायरी। मैं पहले टीचर नैरेटिव की बात करता हूं। टीचर नैरेटिव होते हैं जो टीचर अपने आप लिखता है, लिखा ये भी डायरी में जाता है, रिफ्लेक्टिव जर्नल भी डायरी में लिखा जाता है, बट टीचर नैरेटिव और रिफ्लेक्टिव जर्नल में थोड़ा डिफरेंस होता है। लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज टीचर नैरेटिव। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टीचर नैरेटिव, बेसिकली टीचर जब अपने डेली एक्सपीरियंसेस जो उसके क्लासरूम में होते हैं उन अनुभवों का वो हूबहू वर्णन लिख देता है। आज मैं कक्षा में गया, मेरी कक्षा में इतने विद्यार्थी थे, आज मैंने यह विषय वस्तु पढ़ाई, इस विषय वस्तु पर इतने विद्यार्थियों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, मैंने इन विधियों को प्रयोग किया, आज विद्यार्थियों ने मेरे ये नए मुझे उदाहरण दिए। अर्थात जो कुछ घटा उसका वर्णन, उसका नैरेटिव जब आप लिखते हैं। टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान जो भी डिफरेंट इवेंट्स या इंस्टेंसेस हुए उनका वर्णन टीचर नैरेटिव्स का हिस्सा होता है। कई बार आप ये नैरेटिव्स लिखते हैं या नहीं लिखते हैं तो मौखिक रूप से अपने साथियों के साथ, अपने पीयर ग्रुप मेंबर, अपने संगी साथी जो अदर टीचर्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं कि आज मेरी कक्षा में ये घटा, और उसके विषय में आप चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, तो दूसरे लोग भी फिर उसमें अपने एक्सपीरियंस से जोड़ते हैं। अच्छा आपके साथ ये घटित हुआ, मेरे साथ भी आज ऐसा घटित हुआ, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं, मेरे साथ कुछ और घटित हुआ। तो आपके एक्सपीरियंसेस जब आप नैरेटिव अपना शेयर करते हैं अपने कोलीग्स के साथ तो उनके नैरेटिव्स आपके नैरेटिव्स के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपको दूसरों के एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं, और जब वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बाहर निकलते हैं, यू स्टेप आउटसाइड ऑफ योर ओन एक्सपीरियंसेस एंड देन यू एनालाइज योर एक्सपीरियंसेस इन द लाइट ऑफ अदर टीचर्स व्यू। फिर आप उस तरह से विश्लेषण नहीं करते जैसे आप स्वयं का विश्लेषण कर रहे हो, बल्कि जब दूसरों के विचार भी आपको मिलते हैं तब आप सोचते हैं अच्छा यदि मैं इस शिक्षक की जगह होता तो मैं आज के बारे में क्या सोचता, तो आज के बारे में मैं क्या करता। तो दीज थिंग्स व्हेन यू डिस्क्राइब अबाउट योर ओन, दिस इज कॉल्ड टीचर नैरेटिव, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्टिव जर्नल। सो व्हाट इज अ रिफ्लेक्टिव जर्नल, जिसको आजकल सामान्य भाषा में रिफ्लेक्टिव डायरी कहते हैं, आपको भी लिखनी है, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल बेसिकली इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन विद सेल्फ एंड द मटीरियल ट्यूटर एंड पीयर एंड हेल्प्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। एक्चुअली जो टीचर नैरेटिव है वहां पर सुपरफिशियल एक्सपीरियंस शेयरिंग है, वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, बहुत कम लेवल पर होती है। लेकिन जब हम रिफ्लेक्टिव जर्नल की बात करते हैं तो रिफ्लेक्टिव जर्नल में क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाती है, आलोचनात्मक चिंतन इन्वॉल्व हो जाता है, एक इंसाइट डेवलप करने की कोशिश करते हैं आप अपने विद्यालय अनुभवों के बारे में, जो अनुभव आज आपने प्राप्त किए। ऐसे क्रिटिकल इश्यूज जो शायद जब आप कक्षा में पढ़ा रहे थे तब आपने भले उनको कंसीडर ना किया हो या उन पर उतना ध्यान न दिया हो, लेकिन जब आप रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखते हैं तब आप उन क्रिटिकल इश्यूज को कंसीडर करते हैं, जो भले ही क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग के दौरान आपसे छूट गए हों, लेकिन उसके बाद आप उन पर अपना चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। आप अपनी मजबूत पक्षों, अपने सकारात्मक पक्षों और अपनी कमियों पर भी चिंतन करते हैं कि आज की जो परिस्थितियां आई उन परिस्थितियों को डील करने के लिए मेरे सकारात्मक आयाम क्या रहे और ऐसे कौन से डायमेंशंस हैं जहां मेरी कुछ कमियां रह गई, मुझे इन पर सुधार करने की जरूरत है। तो इट इज मोर क्रिटिकल अबाउट योर सेल्फ, योर प्रैक्टिसेस, योर एनालिसिस, योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। सो व्हाट इंक्लूड इन व्हाट इज देयर इन योर रिफ्लेक्टिव जर्नल, व्हेन यू राइट अ रिफ्लेक्टिव जर्नल यू फर्स्ट गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द लेक्चर और द प्रैक्टिस टीचिंग और द लैब एक्टिविटी ऑफ द ग्रुप डिस्कशन या रीडिंग मटीरियल। आपने जो कुछ किया, आज आपने क्लास पढ़ाई, लैब में कोई एक्टिविटी कराई, कोई ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया, कोई नया टीचिंग मेथड इस्तेमाल किया, किसी टीचर को हम ऑब्जर्व करने गए, उसकी प्रैक्टिस टीचिंग देखी, तो पहले उसकी हम थोड़ी सी समरी लिखते हैं आज क्या किया, उसके बाद आज मैंने जो किया उसके बारे में मैं क्या सोचता हूं, मेरे विचार क्या हैं, मेरे रिस्पॉन्सेस कैसे थे, मुझे मैंने जो रिएक्शंस दिए वो ठीक थे कि नहीं थे, अर्थात मैंने क्या किया। तो हम केवल एक्टिविटी टेक्निकल लेवल रिफ्लेक्शन नहीं करते बल्कि हम अफेक्टिव लेवल रिफ्लेक्शन भी करते हैं,
हम अपनी प्रैक्टिसेस पर रिफ्लेक्शन करते हैं कि हमने जो प्रैक्टिसेस अपनाई वो ठीक थी या नहीं थी। उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट्स जो इस्तेमाल किए, विद्यार्थियों ने जो प्रश्न पूछे या मेरे मन में जो प्रश्न आए, जो कंफ्यूजन हुए, उनके बारे में हम लिखते हैं। साथ ही अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो स्कूल एक्सपीरियंसेस प्रोग्राम के दौरान हमने देखे, हम उन पर अपना रिफ्लेक्शन लिखते हैं। हमने क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम आई, उसका कोई अच्छा पॉसिबल सोल्यूशन बाद में ढूंढा है, उस सोल्यूशन के बारे में हम लिखते हैं। कोई क्रिएटिव या इनोवेटिव तरीका हमने ढूंढा है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जो नई इंसाइट डेवलप हुई है उसके बारे में हम लिखते हैं। या कुछ ऐसे विचार जो पूरी तरह से कंसेप्चुलाइज नहीं हो पाए, जिनके बारे में हमें और क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है। कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते हमें अनुभव हुआ कि आज इस विषय पर मैं बात कर रहा था, मैंने विद्यार्थियों को समाधान देने का प्रयास तो किया पर मैं पूरी तरह से समाधान दे नहीं पाया। तो क्या इन सब के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो हम एक अच्छे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनते हैं? तो यहां मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक अच्छे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनिए और अपनी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाइए।